नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं ग्राम कुलीपुर जिला मैनपुरी में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रॉली आलू से लोड खड़ी है। ये डंप वाले आलू की लोडिंग हुई है। अभी हम यहाँ पर किसान भाई जो हमारे साथ हैं और ये आलू डंप वाला है और क्या रेट बिक्री हुई है उसकी जानकारी लेंगे इनसे और स्टोर के बारे में भी पूछेंगे। स्टोर की निकासी स्टार्ट हो गई है और क्या रेट बिक्री चल रही है और आलू से संबंधित सभी जानकारी आलू के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका भाई साहब? रघुवीर सिंह नाम है। ये जो हम आलू दिखा रहे हैं, ये आलू कौन सा आलू है? वन डबल सिक्स है आलू। वन डबल सिक्स है, हाँ जी। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह का नाम और ये लोकेशन वगैरह बता दीजिए। अभी इस टाइम आप कुलीपुर में खड़े हुए हैं? कुलीपुर ग्राम कुलीपुर जिला मैनपुरी। जिला मैनपुरी पोस्ट बोगाँव। पोस्ट बोगाँव में ये जो अभी हमने वीडियो में आलू दिखाया था, ये आलू आज इस आलू की बिक्री क्या रेट हुई है? आज 825 रुपए हुई है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये आलू पुखराज आलू है जो 166 बोला जाता है। आलू की बिक्री 825 रुपए पैकेट की हुई है और एक पैकेट में लगभग 50 से 55 किलो के बीच में वजन होता है। हाँ यही होता है। दिखा रहे हैं ये इधर ट्रॉली में आलू लोड हो चुका है और ये कुछ पैकेट अभी लोड होने के लिए बचे हुए हैं। जैसे अगर बात की जाए आलू की तो हमारे इस क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का आलू होता है ज़्यादातर? हमारे यहाँ 97 होता है, वन डबल होता है, ख्याति होता है, मोहन कुफरी होती है, कंचन कुफरी होती है, हॉलैंड भी होती है और लोकर भी होता है। सबसे ज़्यादा मोहन कुफरी और ये का नाम ख्याति होता है। मोहन आलू सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, ख्याति मोहन कुफरी और वन डबल। और अगर रेट की बात की जाए अभी, हाँ, तो ऊपर से ऊपर यानी कि महंगाई से महंगा सस्ता क्या रेट चल रही है आलू के रेट अभी? हमारे ये जो 1000 के आसपास, ये हमारा तो आलू इस पर ग्रेडिंग नहीं है, इस वजह से मेरा 825 रुपये बिका है ना। वैसे तो ग्रेडिंग अगर होती आलू की तो ये 1000 रुपये पैकेट जाता। 1000 रुपये पैकेट, हाँ। यानी कि आमतौर पर आलू की बिक्री 900 से लेके 1000 रुपये पैकेट तक की चल रही है। हाँ, यहाँ खेतों में बिक्री हो रही। हाँ, और अगर बात की जाए डंप की तो डंप की क्या कैसी स्थिति है? डंप वाला आई है आलू, जैसे डंप वाला आलू है, लेकिन डंप की स्थिति क्या कैसी बनी हुई है? तो डंप समाप्त होने के कगार पे है या फिर अभी डंप की? अभी डंपिंग बहुत है, हो चुकी है, कुछ है अभी डंपिंग बहुत है। डंप आलू बहुत ज्यादा है अभी? अभी ज्यादा नहीं है, अपना है, किसानी लोग रोके हैं और कोई नहीं रोके है। और ये डंप वाला कितने दिन तक आलू चलता रहेगा बिक्री वाला? अभी भी तो चलता रहेगा, जिसको जैसी क्षमता है उस हिसाब से आदमी रखेगा। नहीं फिर भी लगो कितने दिन तक? ज्यादातर 15 दिन तक। 15 दिन में डंप वाला आलू समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो आज आलू ये 825 रुपए पैकेट बिका है, ये पिछले दिनों से 2-1 दिनों से महंगा हुआ है सस्ता हुआ है? अभी महंगा हुआ है। महंगा हुआ है, हाँ। ये जो आपका आलू यही खेत में खरीदा है तो ये मंडी में कहीं जाएगा बिक्री के लिए, स्टोर में रखा जाएगा? ये बिक्री में जाएगा, ये बिक्री में जाएगा, बिक्री के लिए जा रहा है मंडी? हाँ, में मंडी में जाएगा, बाहर जाएगा। और अगर स्टोर की बात की जाए, जैसे चर्चा चल रही है स्टोर में कि स्टोर की निकासी स्टार्ट, स्टोर की तो निकासी चालू हो गई, स्टोर में अब क्यों रखा जाएगा? ये कितने दिन से निकासी स्टार्ट हो चुकी है स्टोर में? स्टोर में तो करीब 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 15 दिन लगभग हो चुके हैं निकासी। हाँ, स्टोर के आलू के क्या रेट चल रहे हैं अभी? स्टोर में भी थोड़ा सा महंगा है, 5 रुपये मान लो टाइट है। ये 5 रुपये सस्ता है, वो स्टोर वाला टाइट है। 5-10 रुपये पैकेट का ही अंतर है? कोई ज्यादा केवल कोई ज्यादा अंतर नहीं है, नहीं अभी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पिछली साल की अपेक्षा इस साल आलू रकमे में कम लगाया गया है ज्यादा लगाया गया है? इस वजह बहुत कम है। कम है? कम है। जैसे पैदावार तो क्षेत्र में कम बताई जा रही है। हाँ, पैदावार तो हर जगह ही कम है। तो अगर और रकबे क्षेत्रफल में भी कम, क्षेत्रफल में भी कम है, कम लगाया गया और क्या है? जैसे कई जगह बता रहे हैं, हमने मंडी में जाके और व्यापारियों से भी बात की है तो इस बार कोई आलू का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है अभी, कुछ नहीं लगा सकते हैं आप। जैसे कई लोग बता रहे हैं कि सस्ता भी हो सकता है आलू, अभी बिक्री हो रही है उससे, और कई लोग बता रहे हैं कि आलू 3000 या 4000 रुपए कट्टे तक बिक्री वैसे रहेगा, उस पर आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार ये हैं, हम देखते हैं हर उसमें घूम रहे हैं और देख रहे हैं,
और इसमें हमें तो यही मालूम पड़ रहा है कि महंगा रहेगा। नहीं, जैसे कई लोग बता रहे हैं बीच के टाइम पे और महंगा होगा, 3 से 4 हज़ार रुपये कट्टे तक की बिक्री हो सकती है, उसके बारे में ये 3 से 4 हज़ार रुपये कट्टे तक नहीं हो जाएगी ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये 1000 रुपये और 1200 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे किसान आलू रोके रहे ज़्यादा महंगा, कितना भी रोके ऐसा भी हो सकता है सस्ता भी हो जाए। देखो किसान आदमी कभी सेटिंग नहीं कर पाता अपनी, बताओ जैसे स्टोर में क्या कैसी स्थिति है, स्टोर में पिछले साल से ज्यादा हुए या कम हुए? स्टोर में अभी खाली पड़े हुए हैं, खाली पड़े उसके बाद ही बावजूद निकलने पड़ा। जैसे हमारे क्षेत्र में मैनपुरी जिला में है, अभी हम मैनपुरी जिला में स्टोर कितने परसेंट फुल हो पाए? एक परसेंट कोई भी स्टोर बता दे कि हमारा फुल हो गया है। ये एहसान कोल्ड स्टोरेज है जीटी रोड पे, अभी हम जीटी रोड, हाँ जी, वो बता रहे हैं फुल हो गया, एक फुल हो नहीं पाए उससे पहले निकलने लगे हैं, फुल हो नहीं पाया उससे पहले निकलने लगे हैं, निकासी स्टार्ट पहले हो, हाँ निकलने से पहले, हाँ। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। आपका क्या नाम है भाई साहब? जागर सदयाल। ये जो हम जिस जगह पे खड़े हैं उसका पता एक बार बता दीजिए, ग्राम और जनपद? गांव कुलीपुर, डाकखाना भोगांव, जिला मैनपुरी, जीटी रोड खड़े हो आप बाईपास। जैसे अभी आलू की बिक्री चल रही है, इस आलू की जो लोडिंग हुई है ये आज क्या रेट रुपए बिका है आलू? 825 रुपये पैकेट। 825 रुपये पैकेट। क्षेत्र में डंप की क्या कैसी स्थिति? डंप जैसे अब हमारे क्षेत्र, हमारे गांव में तो डंप खत्म ही है, यही आखिरी है। आपके गांव में डंप समाप्त है, आखिरी ढेर है, आखिरी ढेर है। और अगर स्टोर की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, जैसे पिछली साल, जैसे आपने पिछले साल आलू कितना स्टोर में रखा था? पिछले साल पड़े 2000 कट्टा। 2000 कट्टे आलू आप कितना लगाते हो पूरा? आलू लगता है 50 बीघा। 50 बीघा आप आलू लगाते हो। और इस साल आपने कितना डंप स्टोर में रखा है? 1000 कट्टा। तो पिछले साल आपने जो 2000 कट्टे रखे थे, इस साल 1000 कट्टे रखे हैं, तो उसका बिल्कुल आधा रखा है आपने। कच्ची सीजन खोद दिया ना, कच्ची सीजन ज़्यादा, कच्ची सीजन खोदी हो इंसान। और कच्ची सीजन आपने कितने आलू खुदाई कर दी थी? 20 बीघा करीब कच्ची सीजन खोदी, 20 बीघा कच्ची सीजन खुदाई कर दी थी। तो वो जो कच्ची सीजन आपने बिक्री की थी, तो जो आपकी लागत आलू में आई थी, लागत के हिसाब से आपको उसके रेट सही मिल पाए थे या नहीं मिल पाए? हाँ 350 रुपये पैकेट बेचा, 350 से 360। और जैसे आप कौन कौन सी वैरायटी का ज़्यादातर आलू करते हो? हम ज़्यादातर लॉकर का और पुखराज। लॉकर और पुखराज करते हो, दो ही करते हैं। और लॉकर आलू की क्या रेट अभी रेट चल रही है? लॉकर है ही नहीं किसी, सब कोल्ड है। लॉकर स्टोर में ज़्यादा आपने आलू रखा है। जैसे आपको, आप हर साल आलू रखते हो लगातार, आप आलू भी ज़्यादा करते हो, लगभग 50 बीघा करते हो, तो आपको इस साल 2024 में क्या कैसी स्थिति रह सकती है उसके बारे में आप बताइए। देखो अनुमान तो महंगाई का ही है, फिर क्या हुआ? जैसे स्टोर में पिछले साल की अपेक्षा आलू कम रखा गया है ज़्यादा रखा गया है? अब पिछले साल कम है, सब स्टोर तो भरे ना, सब स्टोर नहीं भरे। अगर जिनकी मार्केट अच्छी बोई तो स्टोर भर पाए। अगर ऑल ओवर मैनपुरी जिला की बात की जाए तो पूरे लगभग कितने प्रतिशत कोल्ड स्टोर फुल हो पाई होंगी, अगर सबका अगर औसत लगाया जाए? जाना बता सका उसकी कोई अनुमान जानकारी नहीं है। जैसे स्टोर इतना नए बन गए यार, जैसे आपके क्षेत्र में स्टोर है, कई स्टोर है इधर है और इधर है, अब जाम है, अब जो भारत है इसमें कम है आलू, ये भी फुल नहीं हो पाया। अजय उमेश है, काम सिंह चौधरी, काम सिंह ये भी फुल नहीं हुआ, सियाराम वाला वो भी नहीं हुआ, आरएस भी नहीं फुल हुआ। और ये स्टोर पिछले साल सब फुल हो गई थी? हाँ पिछले साल सब फुल थे, पिछले साल सब फुल हो गई। जैसे पिछले साल हमने कई जगह देखा था, हमने भी वीडियो बनाया था और वापस भी हुआ था, लाइन लगी थी और इस साल कोई स्टोर में लाइन नहीं लगी, जाम किसम लगा किसी भी नहीं। और निकासी स्टार्ट हो चुकी है अभी आलू की? आलू निकल लगो और कोल्ड में। तो स्टोर वाले आलू की बिक्री क्या रेट चल रही है? ये और भैया ये 900 रुपये पैकेट रेट खोलो, 900 से 1000। 900 से 1000 रुपये पैकेट बिक्री चल रही है। लगातार 3 सालों से किसानों को नुकसान हो रहा है, 2021, 2022, 2023, 3 साल से। क्या उम्मीद है 2024 में किसानों को आलू में फायदा रहेगा या फिर? अभी तो फायदा है ही, अब आगे चल के क्या हुए। इसी प्रकार की आलू संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी
अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जबकि आलू से संबंधित सही जानकारी किसानों तक पहुँच सके। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।